नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नदी की कलकल की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय मैं हरिद्वार में हूँ। और हरिद्वार आने का कुछ रीज़न था, जो सबसे प्राइम रीज़न था वो नॉर्मल सबके लिए वही रीज़न होता है कि गंगा स्नान करना। जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि मैं आपको एक ऐसा होटल दिखाना चाहता था जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास है, बिल्कुल पास है, और इतना स्पेसियस है। उसका खुद का अपना प्राइवेट गार्डन है, और जब आप उस गार्डन से बाहर निकलते हो तो उसका खुद का अपना, आप कह सकते हो कि अपना प्राइवेट घाट है। और ये सब कुछ क्राउड से बिल्कुल अलग है, काफ़ी दूर है और बजटेड है। मैं आपको रेट भी बताऊँगा। और दो दूसरी चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा टच किया, इसके पहले मैं हरिद्वार पहले भी आया हूँ, बट बस आता था, गंगा स्नान किया और थोड़े मंदिर गए और चले गए। बट मुझे कभी ये नहीं पता था कि कुछ कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि जब आप हरिद्वार आ रहे हो तो आपने हर की पौड़ी में गंगा स्नान करा कि नहीं करा। तो ये चीज़ ना मुझे कुछ दिनों से मैं खुद से पूछ रहा था, देन आई डिड सम रिसर्च जो मुझे मिला नेट पे। तो मुझे लगा सर मैं काफ़ी लेट से इस चीज़ को जाना और आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग जो मेरी तरह इस चीज़ को नहीं जानते हैं उनको शायद एक एज ए नॉलेज मिल सकता है। बोला ये जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद देवताओं में और राक्षसों में अमृत को लेकर के आपस में लड़ाई हो गई, तो जो गरुड़ भगवान है उन्होंने क्या करा, अमृत का मटका लेकर के वो वहाँ से उसको बचाने के लिए बाहर निकल गए, उड़ने लगे। और जब वो जा रहे थे तो उसमें से कुछ ड्रॉप, ऐसा बोला जाता है कि 4 ड्रॉप उसमें से निकल करके ज़मीन पे गिरा। और उसमें वो चारों जो जगह है इंडिया में, वो चारों ही बहुत ही पावन जगह माना जाता है, और उसमें से एक जगह हमारा हर की पौड़ी है। और जिस कुंड में वो ड्रॉप गिरा था उसको बोला जाता है ब्रह्म कुंड। इसीलिए जब हर की पौड़ी पे स्नान करते हैं, या गंगा स्नान आप कह सकते हो कि गंगा स्नान करते हैं, तो वो उस जगह को पहले तो ब्रह्म कुंड बोला जाता है और वो बहुत ही पावन जगह माना जाता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आज जब आप हरिद्वार आते हैं तो हर की पौड़ी में हर इंसान स्नान करना चाहता है। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जब मैंने इसको पता करा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ऐसे कुछ लोग जिनको मेरी तरह नहीं पता है, आई बिलीव कि आपको सुन के अच्छा लगा होगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे और हर की पौड़ी में हम नहाएंगे भी, और उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। बट चलिए काम करते हैं। इस पूरे जो जिस रिजॉर्ट की मैं बात कर रहा था, जिस होटल की मैं बात कर रहा था, ये गढ़वाल GMVM का होटल है। मैं बहुत ही पैसनेट हूँ GMVM का जो होटल्स होता है उसको 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 एक्सेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जो GMVM का स्टे ऑप्शन होता है ना, वो बेसिक एमिनिटीज़ के साथ होता है, उसमें आप लग्जरी की एक्सपेक्टेशन ना रखें। बट जो उसका लोकेशन होता है, जो उसकी स्पेस होती है और जो उसका कॉस्ट होता है ना, वो उसका USP होता है, राइट। वो जब आप उसको यूज़ करोगे तभी समझ में आ पाएगा। तो चलिए पहले होटल देखते हैं, फिर हर की पौड़ी में चल के नहाते हैं। मैं और भी चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ। और एंड ऑफ दिस प्रोग्राम मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं किस तरीके से एक दिन के अंदर मैंने कितना कुछ कवर कर लिया और बहुत ही रिलैक्सिंग रखा आपको, अपने आप को। और कितने बजे मैं स्टार्ट करा था, कितने देर में मैं हरिद्वार पहुँच गया, क्यों मैं इस समय स्टार्ट हुआ था, कैसे मैंने ट्रैफिक को बाईपास करा, और कितने कम समय में मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये सब कुछ शायद आपको हेल्प कर पाए। आइए। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ इसको बोलते हैं अलकनंदा घाट, और मेरे ठीक सामने अगर आपको दिख रहा होगा ना, एक ब्रिज बनाया हुआ है, राइट। इसके पीछे एक और ब्रिज है, वो है हर की पौड़ी। पहली खासियत, यहाँ से आप वॉक करते हुए किसी ट्रैफिक को आपको फेस नहीं करना है, वॉक करते हुए आप हर की पौड़ी में जाके स्नान कर लें। और अगर आपने एक बार हर की पौड़ी में स्नान कर लिया है तो, और उसके बाद आपको 2-3-4-5 बार और स्नान करना है गंगा स्नान, तो ये भी घाट है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और आप यहाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी। प्लस ये है हमारा होटल जिसमें मैं रुका हूँ, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पूरा रूम दिखाऊँगा, इसका कॉस्ट बताऊँगा। तो आप यहाँ पर आके रहें और हर की पौड़ी को एक्सेस करें।
अब मैं होटल प्रीमाइस के अंदर आ गया हूँ। इस तरफ जो है वो मेन रोड है और ये बिल्कुल जहाँ से ट्रैफिक शुरू होता है उसके ठीक पहले से ही ये होटल आपको मिल जाएगा। और इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये गंगा का घाट है, मतलब आप इस स्टेज से उतर करके आप उस गंगा के घाट में जा सकते हैं। ये जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा यहाँ पे। और जब आप नीचे की तरफ इधर आते हैं, आप अगर इसका अंदर का एरिया देखेंगे तो ये जो गार्डन है, मैं इस गार्डन को लेकर के बहुत ही इम्प्रेसिव हूँ। हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, जहाँ इतने सारे स्टे ऑप्शंस हैं, इतने लोग रहते हैं, इतने सारे, थोड़ा जैसे मैंने बताया कि कंजेस्टेड एरिया है, उस हिसाब से इस तरीके का गार्डन और इतना पीसफुल, मतलब हर की पौड़ी थोड़ा सा दूर है, मतलब 5 to 10 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस है, और ये जगह देखो बिल्कुल क्राउड से दूर है। आप थोड़ी देर के सोचो कि जब अर्ली मॉर्निंग या स्पेशली जब इवनिंग में या लेट नाइट जब आप यहाँ पे बैठते हैं या आप वहाँ जा कर के गंगा नदी में कलकल उसकी पानी को सुनते हैं तो कितना मज़ा आएगा। चलिए अब रूम देखते हैं, आइए। हरिद्वार के इस फूड फेस्टिवल में ऐसे मजाक से बोल रहा हूँ, पहली शुरुआत ककड़ी से करते हैं। ये ककड़ी कीड़ा वगैरह इंजनर बहुत अच्छा होता है, और गंगा किनारे ककड़ी का मजा लीजिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। तो इस वक्त अब मैं हर की पौड़ी जा रहा हूँ नहाने के लिए। मैंने ना एक्चुअली पीछे वाला रूट लिया है, जो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप भी ये रूट लें। यहाँ से आप वॉक करते हुए 10 मिनट में आप हर की पौड़ी आ जाएंगे। इनकेस अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा लंबा वॉक करने में दिक्कत होता है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया पीछे साइड मेन रोड है, वहाँ से आप बैटरी वाला रिक्शा लेकर के 80 rupees to 100 rupees जो चार्ज करते हैं, उसमें 4-5 लोग बैठ करके आप हर की पौड़ी पीछे से भी जा करके आप मेन रोड से उसको टच कर सकते हैं। बट हमने ये रूट लिया है और ये काफ़ी कन्वीनियंट है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए हर की पौड़ी चलते हैं। हर की पौड़ी में देश विदेश से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। हमने भी इस ट्रिप में हर की पौड़ी में जाकर के गंगा में डुबकी लगाई और माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। हरि का मतलब होता है भगवान और द्वार का मतलब होता है दरवाजा। सारे लोग हरिद्वार आकर के माँ गंगा का आशीर्वाद और गंगा का स्नान तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वादिष्ट खाने का भी मजा लेते हैं। तो मैं भी निकल गया कुछ स्वादिष्ट खाने का मजा लेने के लिए। हरिद्वार में कुछ जगह खाने के लिए बहुत ही फेमस है, जिसमें मोहनजी पुरी वाले, चोटी वाला और मथुरा प्राचीन वाले, ये तीन ऐसे नाम हैं जो हर कोई जानता है। हमने कुछ लोकल से पूछा, कुछ शॉपकीपर से पूछा और उन्होंने हमें सजेस्ट करा, अगर आपको शुद्ध घी के खाना खाना है तो आप मथुरा जी प्राचीन वाले को ट्राई करें। वहाँ जाने के बाद हमने पूरी भाजी और कचौरी ट्राई करा, खाना बहुत ही टेस्टी था। हमने स्वीट्स को भी ट्राई करा, स्वीट्स बिल्कुल ही हमें डिफरेंट लगा, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बहुत ही टेस्टी लगा। इनकेस अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आप कहीं भी कुछ भी ट्राई करें, बट अगर आपको स्वीट्स खाना है तो मैं
आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप मथुरा जी प्राचीन वाली के पास जाके खाएं, क्योंकि हमें उनका स्वीट बहुत ही टेस्टी लगा। अगर आपने वहाँ का चाट और कांजीवाड़ा नहीं ट्राई किया तो आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। हम भी जैन चाट भंडार गए और वहाँ पे कांजीवाड़ा और चाट को ट्राई करा। हालांकि जो कांजीवाड़ा का टेस्ट था, हम शायद उस चीज़ को अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाए, बट जो चाट का टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। हरिद्वार में डिफरेंट फूड ऑप्शन ट्राई करने के बाद वापस मैं गंगा के घाट पे चला गया, जहाँ मैंने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। उसके बाद शाम हो चुकी थी और मैं माँ गंगा की आरती में शामिल हो गया। तो फ्रेंड, हर वीडियो की तरह ये मेरा एंड ऑफ दिस वीडियो है। जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इससे पहले मैं ये सोचता था ना कि आपकी ट्रिप मिनिमम 2 नाइट 3 डेज या 3 नाइट 4 डेज होना चाहिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हो जितना बढ़ाना है, बट 1 डे का ट्रिप भी रिलैक्सिंग हो सकता है ना, ये मेरे को इस वीडियो को बनाते बनाते एहसास हुआ। क्योंकि मैं दिल्ली से कल आया, आज वापस दिल्ली जा रहा हूँ, और लेकिन इतना रिलैक्सिंग था। उसका एक रीज़न ये भी था कि गंगा स्नान, आप ऐसे भी जैसे गंगा में डुबकी मारते हो ना, आपकी बॉडी की सारी एनर्जी लेवल जो है ना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब कभी भी अपने सिटी से निकले, मैं दिल्ली से आया था, आप किसी भी सिटी से आ रहे हैं, लेट से हरिद्वार को अगर आप टारगेट कर रहे हैं फिलहाल, तो आप 3 से 4 घंटे, मतलब बेसिकली आप 5 बजे से पहले निकल जाए या 5 बजे सुबह निकल जाए, जिससे कि आपको ट्रैफिक को फेस ना करना पड़े, तो आपका जर्नी बहुत स्मूथ होता है। देन लकली अगर आपको इस तरीके का स्टे ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे चेक इन भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो कल मैं 5 o'clock निकला, 9 o'clock यहाँ पे आ गया, 9:30 तक मुझे चेक इन मिल गया। आने के बाद थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी और सीधा हर की पौड़ी में गया, आराम से गंगा स्नान करा, फिर लोकल फूड ट्राई करा, वापस आके रिलैक्स करा। रात को भी यहाँ बैठ करके ना मैं काफ़ी देर टाइम बिताया, मज़ा आ गया। मतलब अगर आप आओगे ना तो आपको लगेगा ये बेस्ट फैमिली टाइम है मेरा, या फ्रेंड्स के साथ भी आ रहे तो फ्रेंड्स का टाइम, आपका टाइम, सबका टाइम बहुत अच्छा लगेगा। सुबह उठ करके मैंने बहुत सारे डुबकी लगाए हैं यहाँ पे, स्पेशली इस जगह पे पूरा खाली है, और यस बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। आप इस गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, होटल, आप जो भी इसको नाम दें, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप आते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इन जनरल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या कोई इसमें फीडबैक है, कोई इम्प्रूवमेंट है, तो आप ज़रूर बताएं, मैं हर बार बोलता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई जगह पर। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा।